फ्रेंड, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो हम आपको क्लास 11th का मैथ्स का पेपर लेके आए हैं, इसका फुल सॉल्यूशन बताएंगे आज हम, A to Z फुल सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते। ये पेपर आपका हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप जाइए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, पूरा पेपर डला हुआ है इसमें आपका। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, इसमें हम आपको फुल सॉल्यूशन बताते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, आप सभी लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए। हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं, इसके हमने सारे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आई थिंक इतना ही है, अभी मैच कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, आप लोग मैच करते जाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको ये पेपर, तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए, हमने ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिए हैं, आप प्लीज़ मिला लीजिएगा। थोड़ी हमने फ़ोटो ली, थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बनानी पड़ रही क्योंकि हमें और सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड करनी है। तो आप क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 16 का है, यदि एक्स और बाय दो समुच्चय हैं, तो ये देख लीजिए आप, 16 का ही है आई थिंक, या देख लीजिए सबसे फर्स्ट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मैच करते रहिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको और वीडियो और पेपर ला सकें, आपके और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। और अभी आपके और पेपर होने वाले, उसके लिए भी हम आपके पेपर लेके आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करते जाइए, हम आपका सारा पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। फ्रेंड्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्या है, मान लीजिए कि fx इज एक्स स्क्वायर, gx इज 2x प्लस 1 दो वास्तविक फलन है। तो ये रहा इसका फ्रंट आना, ये आंसर बिल्कुल राइट है, आप इनमें बिल्कुल डाउट मत करिएगा, ये बुक से निकाले हुए हैं क्वेश्चन। तो आप इसको ही अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से समझ के जाइएगा और बाकी यही लिख दीजिएगा पेपर में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इरा फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए, तो ये उसी का फर्स्ट वाला है, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। इसमें आपको रेडियम माप में बदलना है, इसका आप टेलीग्राम चैनल में आ जाइए, उसी में पेपर डला हुआ है, आप उसी से मैप करते जाइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढे हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए ताकि हम आपको हर अपडेट टेलीग्राम में देते रहें। हम आपके आगे के एग्ज़ाम और आगे के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका, इसमें आपको सिद्ध करना है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cot x। फ्रेंड्स, इसमें आप हल में लिखा है सर्वसमिकाओं 20 फर्स्ट तथा 20 फोर्थ का उपयोग करने पर हम पाते हैं, तो आप इसका नीचे ही से सॉल्व कर दीजिएगा, आप कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन का है, इसमें सर्वसमिकाएं इसमें 20 की ली हुई हैं, आप इसका नीचे वाला सॉल्व कर दीजिएगा, इसको आप टू पोर्शन में डिवाइड करके इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा आपका 21 का अथवा वाला बताया है हमने। ऐसी छह संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसको 3 और 24 के बीच पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो ये रहे इसके आंसर। फ्रेंड्स आप जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि अभी आपका 9 बजे से पेपर होना है। अब पढ़ के जाइएगा, चीटिंग लेके मत जाइएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, इसमें से मैंने एक दो क्वेश्चन ही मिस किए होंगे, बाकी पूरे लिए होंगे गलती से, यदि हो भी गए हों, नहीं तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। यदि एक दो मिस होते भी हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, बार बार कह रहे हैं हम। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल पावर 4 एक्स नॉट इक्वल टू 0 का प्रसार ज्ञात कीजिए। यह आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला। अब कोई सा भी पेपर लेके मत बैठ जाइएगा मिलाने के लिए। मैं हमारे टेलीग्राम में जो हमने वीडियो के शुरू में पेपर बताया वही हमारे टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है, तो आप जाइए टेलीग्राम में पहले ज्वाइन होइए, उसके बाद आपको PDF मिलेगा क्लास 11th मैथ्स पेपर करके, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और वहीं से इस क्वेश्चन को मिलाना शुरू कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा का। आपके लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में से आ रहे हैं बुक में से, तो आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप जो एग्ज़ाम्पल्स रहते हैं बुक के वहीं से तैयारी करें। आपको और ये बुक्स वगैरह और कहीं से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपका क्वार्टरली का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी चेक किया था, आपका एग्ज़ाम्पल में से ही क्वेश्चन आते हैं अभी भी। हाँ पहली का ये पेपर मिला है जो, तो इसका भी आपका एग्जांपल में से ही क्वेश्चन आए हैं लगभग। गाइस आप एक क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, ये कंफर्म मैं नहीं बता पा रही हूँ कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, पर लग रहा है 100% ओरिजिनल ही है, 90% ओरिजिनल है, मतलब कल एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा आपको एग्ज़ाम इसके बता दूं। यदि नहीं आता है तो आपके इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, लगभग एक पेपर आ ही जाएगा क्योंकि सभी लोग तो डाले हैं यही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें मैंने टिक नहीं किया है कि ये किस नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा मिला लीजिएगा क्वेश्चन, बाकी दिया है इसमें क्वेश्चन है आपका बिंदियों पी 1-3, 4 और Q-4, 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये आप वो क्वेश्चन पेपर में मैच कीजिए क्या ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया है, और जल्द से जल्द अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कीजिए और इसको सॉल्व करके जल्दी से आप तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन की लिंक वर्क नहीं करती तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके योर चॉइस योर कमेंट सर्च करिएगा तो चैनल आ जाएगा आपको, तो आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक इज लास्ट क्वेश्चन है उसका पेपर का।
तो इसमें आपकी माध्यिका निकाली है, देख लीजिए आप माध्यिका कैसे निकालते हैं। इसका आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, बाकी है तो ये शॉर्ट ही आंसर, पर यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। यदि ये सूत्र आपको याद नहीं रहा तो मुश्किल है, आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, भूल जाएंगे आप। अब रट के मत जाइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आप कॉपी में एक से दो बार इसको ट्राई करिएगा, आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और इसको हल करते भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइन वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ी दिक्कत जाती होगी आप लोग को, पर एक बार आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो सब क्वेश्चन इजी हो जाते। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स लाइक करते जाइएगा वीडियो, आपकी लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, इसका अथवा वाला बताया हमने, ये एग्जांपल 15 है, यही है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का अवकलन ज्ञात करना है, तो ये रहा इसका आंसर। समझ के करिएगा गाइस, रटने की ज़रूरत नहीं है मैथ से, क्योंकि अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छे से आपको एग्ज़ाम में बनेगा, नहीं तो आप आधा भूल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहे आपकी लास्ट क्वेश्चन 23 का, ये 23 आपके लास्ट क्वेश्चन है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, आप देख लीजिए एक बार। और जितने भी क्वेश्चन मिस हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में आ जाइए, वहाँ पे यदि आपको नहीं, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं मिलते तो आप टेलीग्राम में जल्दी से हमको मैसेज कीजिए, हम आपको फ़ोटो क्लिक करके उसकी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम में आ जाइए, तो टेलीग्राम में मिलते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक कल के पेपर के लिए, सब लोग अच्छे से पेपर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।